हाय, आई एम राशि। बात अगर खाने की जाए तो सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं। आप अपनी फैमिली में ही देख लीजिए, किसी को बेक पास्ता चाहिए तो किसी को पिज्जा एक्स्ट्रावेगेंजा, किसी को अचारी पनीर टिक्का तो किसी को चिकन ड्रमस्टिक्स विद मस्टर्ड हनी डिप। ऐसे में आपका साथी बनता है ब्रांड न्यू उषा हैलोजन ओवन। कंग्रेचुलेशंस, अब आपके पास एक ऐसा ओवन है जिससे आप डिलिशियस डिशेस 20-30% जल्दी और लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करके बना सकती हैं। तो उषा हैलोजन ओवन आपके टेस्ट और हेल्थ के साथ साथ आपके बिजली के बिल की भी बचत करता है। दिस हैलोजन ओवन इज इनोवेटिवली डिजाइन एंड मेड विद हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये उषा हैलोजन ओवन क्या क्या कर सकता है आपके लिए। तो मैं आपकी हेल्प करूंगी आपको हैलोजन ओवन के बारे में सब कुछ बताने में। उषा का ये प्रोडक्ट 10 किचन अप्लायंसेस की रिप्लेसमेंट की तरह काम करेगा, जैसे कि स्टैंडर्ड ओवन, ग्रिल बॉयलर ओवन, डीप फैट फ्रायर, माइक्रोवेव ओवन, स्लो कुकर, टोस्टर ओवन, इलेक्ट्रिक फ्राइंग पैन और इलेक्ट्रिक स्टीमर। तो हम आपको बताएंगे कि उषा हैलोजन ओवन को 10 ओवन्स का रिप्लेसमेंट क्यों कहा जाता है और इसको यूज करने के बेस्ट वेज, और आप जानेंगे कि कैसे आप डिलेक्टेबल डिशेस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि उषा हैलोजन ओवन में आपको क्या क्या मिलता है। ये है कंट्रोल पैनल जिसमें आपको प्रीसेट मेन्यूज दिए गए हैं, एंड दिस हैज एन ऑन ऑफ इंडिकेटर, टेम्पर्ड ग्लास बॉडी जो टफन ग्लास से बनी है, हैंडल बेस, इसका हीटिंग एलिमेंट जिसमें हैलोजन लाइट और फैन है, और इसके साथ आपको मिलता है हाई रैक, लो रैक और टोंग्स, और इसके साथ आपको मिलती है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें इस अप्लायंस से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए अब पता करते हैं कि उषा हैलोजन ओवन का क्या क्या यूज है और उसके डिजायर्ड टेम्परेचर्स क्या है, और ये सब मैं आपको बताऊंगी ब्रुशेटा बनाते बनाते। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। सबसे पहले हैलोजन ओवन का कवर खोल लेते हैं, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ द एक्सेसरीज जो इसके साथ दिए गए हैं, मैं ये ब्रुशेटा जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है इसमें डाल देती हूँ। और अब हमारा ब्रुशेटा या कोई भी डिश बनाने के लिए मदद करेगा ये कंट्रोल पैनल। यहाँ पर एक व्यूइंग विंडो दी गई है, इस डिस्प्ले विंडो में आप टेम्परेचर और टाइम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे टाइम डिस्प्ले होगा एंड राइट साइड पे टेम्परेचर डिस्प्ले होगा। इस विंडो के नीचे दिए गए हैं एरोज जिनसे आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पर डिफरेंट प्रीसेट मेन्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप केक बनाना चाहते हैं, सो ऑल यू नीड टू डू इज आप केक प्रेस कीजिए और उसे स्टार्ट कर दीजिए, एंड जो प्रीसेट टाइम एंड टेम्परेचर है उस पर कुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। केक के साथ साथ आप इसमें फिश बना सकते हैं, पिज्ज़ा बना सकते हैं, एंड राइट नाउ सिंस आई एम कुकिंग ब्रुशेटा, तो मैं स्पीड अप मेन्यू का यूज करूंगी बिकॉज मैं इसे अपने मन चाहे टाइम और टेम्परेचर पे कुक करना चाहती हूँ। सो व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ इज टू कुक एट द टेम्परेचर दैट आई वांट, मैंने स्पीड अप दबाया और अब मैं टेम्परेचर और टाइम को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूंगी। एरोज यूज करके मैं टाइम कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स, और फिर एरोज का इस्तेमाल करके टेम्परेचर को मैं कम कर रही हूँ। आई वांट टू कुक इट एट 160 डिग्रीज। नाउ सिंस द टाइम एंड टेम्परेचर इज सेट, बस मुझे ऑन करना है एंड ब्रुशेटा बनना शुरू हो जाएगा। जो कुकिंग हैलोजन ओवन में होती है वो होती है इस हैलोजन लाइट की मदद से, साथ ही इसका जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें एक फैन भी है जिसमें से हवा जनरेट होती है, एंड हैलोजन लाइट से वो हीट होती है और जो कुकिंग होती है वो हॉट एयर के जरिए होती है। इज़न्ट दैट रियली रियली इनोवेटिव? एंड इनोवेशन की बात की जाए तो व्हेन यू लुक एट द डिज़ाइन आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब एंड स्टनिंग। फूड आप कुक होते देख रहे हैं, एब्सोल्युटली स्टनिंग लग रहा है ब्रुशेटा। बस 5 मिनटों का इंतजार और वो रेडी होगा। मीनवाइल लेट मी शो यू अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे और कई ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि एयर ड्राई। नाउ एयर ड्राई इज एक्चुअली डिफ्रॉस्टिंग। कोई भी फूड आइटम अगर आपने एकदम फ्रिज से निकाला है, उसमें पानी है, मॉइस्चर है, आप उसे पहले एयर ड्राई कर लीजिए बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग। दिस इज वन ऑफ द प्रिकॉशंस दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो। साथ ही साथ इसमें क्लीनिंग का और स्टेरिलाइजेशन का ऑप्शन भी है। जब भी आप अपने हैलोजन ओवन को क्लीन करना चाहें तो इसमें माइल्ड डिटर्जेंट और पानी भर लीजिए, एंड इसे बंद करने के बाद क्लीन दबा दीजिए, एंड द क्लीनिंग विल हैपन।
एक बार क्लीनिंग हो चुकी है वो पानी ड्रेन आउट करके आप इसे स्टेरिलाइज कीजिए सो दैट ये डिसइंफेक्ट हो जाए. नाउ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी कुकिंग एंड दैट इज वन प्रॉमिस वी आर मेकिंग टू यू. सो अब यहाँ पर ब्रुशेटा तैयार हो रहा है एंड साथ में ब्रुशेटा तैयार करने के लिए आई एम यूजिंग द एक्सेसरीज जो आपको उषा हैलोजन ओवन के साथ मिलती हैं. अब हमारा ब्रुशेटा बनकर बिल्कुल तैयार है एंड मुझे कैसे पता चला कि ब्रुशेटा तैयार है, वो इस तरह कि जब फूड आइटम रेडी हो जाएगा तो आपको एक बीप सुनाई देगी और जो डिस्प्ले पैनल है उस पर टेम्परेचर और टाइम सेटिंग स्टॉप हो जाएगी और इन डिफरेंट फंक्शन कीज को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं. So your halogen oven can be used in 9 different ways for broiling, grilling, barbecue, roasting, reheating, deep frying without oil, baking, steaming, and it boils without water. Now you know why Usha halogen oven is known as the next generation in cooking. बहुत ही delicious bruschetta बिल्कुल तैयार हो चुका है और वो भी सिर्फ 5 मिनट में. Can you believe that? Bruschetta बहुत amazing बना है और इसी तरह आप बना सकती हैं ढेरों डिशेस, बेक कर सकती हैं, पिज्जा बना सकती हैं. ब्रुशेटा मैंने बनाया है अभी और ये सब आप कर सकती हैं अपने उषा हैलोजन ओवन में.